आजकल नींबू का प्राइस इतना महंगा क्यों है? क्यों अभी तक कैंसर को क्योर करने का दवा नहीं निकला है? टूथपेस्ट में ये पट्टियां क्यों होती है? और एक लड़के ने अपने एक्स से ऐसा रिवेंज लिया जिसे देखकर आप भी अपने एक्स से बदला ले सकते हैं, वो कैसे, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर वन, हम अपने रिश्तेदारों से शादी क्यों नहीं कर सकते? इसका बहुत ही मस्त रीजन है, क्योंकि हम जितने भी रिलेटिव्स रहते हैं वो हमारे पूर्वज के ब्रांच हैं। जब हम सब एक ही पूर्वज के ब्रांच हैं तो हमारे बॉडी में उसी पूर्वज का जीन पाया जाता है, और साइंस के मुताबिक एक जैसे जीन से पैदा होने वाले बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर का खतरा रहता है। इसलिए हिंदू धर्म में अभी भी सेम गोत्र वालों से शादी नहीं किया जाता है। नंबर टू, प्राचीन समय में बहुत से ऐसे तरीके थे जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता था, और प्राचीन चीन में गुदगुदी भी एक टाइप का टॉर्चर था जिसमें लोगों को बांध कर गुदगुदी किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कोई भी निशान नहीं छूटते थे। नंबर थ्री, जब तक कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब तक लोग यही सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, पर एंशियंट ग्रीक के लोग ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि एंशियंट ग्रीक के लोगों ने ऐसा टेस्ट करके प्रूव कर चुके थे कि अर्थ फ्लैट नहीं गोल है, क्योंकि उनका अंदाजा ऐसा था अगर फ्लैट होती तो पृथ्वी पर किसी भी चीज का शैडो नहीं होता, और गोल है तभी तो इस पर शैडो बनता है। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं यहाँ पर। नंबर फोर, ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप गूगल असिस्टेंट से ओके गूगल ल्यूमस कहते हैं तो गूगल असिस्टेंट आपको आपके फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके देगा। नंबर फाइव, आजकल लोगों को ऐसा दिखाना चाहिए कि आप ऐसे इंसान हो जिसका कोई भी गोल नहीं है, क्योंकि आपकी प्रगति देखते ही लोग आपको पीछे खींचने में देर नहीं लगाते। इसलिए किसी को भी अपना गोल नहीं बतानी चाहिए, सीधा रिजल्ट दिखानी चाहिए, ऐसे आप जल्दी सक्सेस हो सकते हो। नंबर सिक्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई इस टेक्निक से करनी चाहिए जिससे आप आसानी से ब्रेन में स्टोर कर सकते हो। पहले तो सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए किताब पर फोकस करना है, उसके बाद 5 मिनट के लिए ब्रेक लेने हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद अगेन स्टार्ट करना है। अब आपका ब्रेन आसानी से इन्फॉर्मेशन को याद कर पाएगा, वो भी शॉर्ट टाइम में। इसे पोमोडोरो टेक्निक्स कहते हैं। नंबर सेवन, 2012 में शिकागो में एक आदमी ने एक्स से बदला लेने के लिए $600 में एक पुरानी कार को खरीदी और उस कार को अपनी एक्स के नाम पर रजिस्टर करवाया, फिर उस कार को एक एयरपोर्ट के पार्किंग में ले जाकर पार्क कर दिया। कुछ हफ्ते बाद लड़की के घर में एक बिल गया जिसमें $115,000 का बिल बना था, वो बिल उसके नाम पे आया था और वो बिल उस लड़की को खामोखा पे करने पड़े थे। नंबर एट, डेली ब्रश करते टाइम अगर आपने नोटिस किया है तो आपको शायद ये पट्टियां दिखी होगी। इनका यूज तो कुछ भी नहीं है, पर ये टूथपेस्ट में मिले इंग्रेडिएंट को बताते हैं। अगर टूथपेस्ट पर लाल पट्टी बनी है तो इसका मतलब ये है कि उस टूथपेस्ट पर केमिकल भी मिला हुआ है, और अगर ग्रीन कलर का है तो वो सिर्फ नेचुरल चीजों से बनी है। नीले रंग का मतलब टूथपेस्ट में नेचुरल चीजों के साथ मेडिसिन भी मिला है, और वहीं ब्लैक कलर का है तो उसका कम यूज करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा केमिकल से बना होता है। नंबर नाइन, अभी तक कैंसर को क्योर करने का इलाज क्यों नहीं निकला है? दरअसल कैंसर डीएनए में जेनेटिक चेंजेस करता रहता है जिसे कुछ एबनॉर्मल सेल्स को प्रोड्यूस करता है और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर बात आती है कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारा सबसे पावरफुल सिस्टम इम्यून सिस्टम क्यों साइलेंट रहता है? बेचारा इम्यून सिस्टम हमारे बाहरी वायरसेस से ही बचा सकता है हमें, बट कैंसर सेल्स बॉडी के सेल्स के साथ अलग ही चेंजेस करके रिएक्ट करता है, और इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी सेल्स को कभी भी अटैक नहीं कर सकता, और मेडिसिन भी ऐसा ही काम करता है। मेडिसिन बाहरी हार्मफुल एलिमेंट्स को ही अटैक कर सकता है, इसलिए कैंसर को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता जल्दी से। 90% लोगों को थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही कैंसर का पता लगता है, जो कन्फर्म मौत ही होना है। जो केमोथेरेपी या रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो बस इसलिए होता है ताकि सेल्स को मार सके जो अभी ग्रो हो रहे हैं, इसलिए दवाइयां बना पाना मुश्किल होता है जिससे डायरेक्ट सेल में अटैक कर सके, जो एबनॉर्मली चेंज होता रहता है, और 100 से भी ज्यादा टाइप्स के सेल्स होते हैं इसलिए दवाई बना पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 10, आजकल नींबू इतना महंगा क्यों हो रहा है? सिंपल आंसर, कम सप्लाई और हाई डिमांड है। दूसरा रीजन फ्यूल से कनेक्टेड है। फ्यूल के प्राइस में हाइक आने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से नींबू के प्राइस को भी बढ़ाना पड़ा। वहीं इस बार नींबू की खेती कम की गई, ऊपर से जो बागान की थी वो भी डैमेज हो गए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन मॉनसून वेदर है। लास्ट ईयर सितंबर और अक्टूबर में भारी बारिश हुई थी जिसके कारण बहुत से ऐसे जगह पर नींबू की खेती नष्ट हो गई थी और स्टोर नहीं कर पाए थे। जनरली नींबू मॉइस्चर को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए नींबू को कोल्ड स्टोरेज में रखनी पड़ती है जो हर किसी के पास नहीं होता, और जिसके पास कोल्ड स्टोरेज थी वो अभी मार्केट के बादशाह बने हैं। अब आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी, इस बात पे एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है यहाँ पर। अपने दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए कि आप कितना इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर। अगला वीडियो आए तब तक ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं।